आशा चीर हरण उनकी आपकी शूटिंग चल रही है, तो किस तरह का किरदार है आपका इसमें? मेरा जो किरदार है डबल रोल है, डबल रोल जब मैं कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसमें वेरिएशन तो होता ही। एक कैरेक्टर है बड़ा सीधा, ईमानदार है, गाँव का सीधा साधा है और छोटी छोटी बातों में ही खुश रहता है। तो एक दूसरा कैरेक्टर है जिसका कुछ जीवन में बहुत बड़ा मकसद होता है, इस तरीके से डबल रोल है मुन्ना के अंदर, जो दर्शकों को दोनों तरीके का जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। काजल अडवाणी जी भी इस फिल्म में किस तरह का रहा है, ये काम कर लेता उसके बारे में बताइए। इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है वो काफ़ी अच्छी टीम है और जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे ही बहुत ही अच्छे हैं, सब ने बहुत मेहनत की हुई है और देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं जो नए हैं, हम लोग जैसे पहली बार काम कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर अजय झा, हमारे मेन विलेन जो हैं संजीव झा, इसी तरीके से हमारे स्क्रिप्ट राइटर और खुद एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर भी कर रहे हैं और एक और नई हीरोइन है इसमें अंजलि सिंह, और भी काफ़ी हैं, मतलब सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है। जिस तरह से नए लोग हैं और पुराने भी हैं, जैसे हमारे संजय पांडे जी हो गए, राम मोहन हो गए, सारे अनु परोड़ा जी हो गए, काफ़ी हैं इसमें एक अच्छा मिक्सअप है सिनेमा के अंदर, काजल राघवानी हो गई और सीमा सिंह हो गई। मीडिया में जो खबर है कि आजकल की ये फिल्म पूरी तरह से साफ सुथरी है, बहुत अलग मैसेज दे रही है फिल्म, क्या कहना चाहिए उस पर? जो भोजपुरी में लगातार बढ़ जा रही होती है, जो फैमिली के साथ कोई फिल्म नहीं देख पाते हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बात एकदम सही है, जो हमारे फिल्मों के ऊपर काफ़ी जो है इस तरीके के दोष पाए जाते हैं। खबर आ रही है कि ये फिल्म बहुत पूरी तरह से साफ सुथरी है, तो आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये एकदम सही न्यूज है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि बनाने के अच्छी फिल्म है, कमर्शियल भी है, इसका सारा सेटअप अच्छा है। बात जो है सबसे बड़ी बात है कि अच्छी फिल्म, साफ सुथरी फिल्म है, आप जाके एक सिनेमा को अपने माँ के साथ में, बहन के साथ में, या अपने दोस्त के साथ में बैठ सकते हैं, घर परिवार के साथ में बैठ सकते हैं। तो महिलाएं हमारे भोजपुरी सिनेमा से थोड़ा दूर जा रही हैं, लोग जो है भोजपुरी सिनेमा में डबल मिल पाए जाते हैं, दो अच्छे गाने होते हैं, दो अच्छे डायलॉग्स होते हैं, तो ये इसमें कतई नहीं है। और मैं खुश भी हूँ कि इस तरीके के साफ सुथरी सिनेमा दर्शकों के बीच में विराट भट्ट की फिल्म आ रही है, और मैं चाहूँगा भी कि अगर आप लोग खुद भी चाहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में ये चीज़ें ना रखें, डबल मीनिंग्स खत्म हो गई, तो ऐसे सिनेमा को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, वो आप लोगों के हाथ में, हमारी कोशिश है, हम लोग बना रहे हैं, बट उसको सिनेमा घर में से बाहर जाएगा तो देखना आप लोगों का काम है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब चीर हरण चलेगी तो आप बकायदा माँ के साथ में बैठ के, बहन के साथ में बैठ के, पिता के साथ में बैठ के, अपने फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हैं सिनेमा। सिनेमा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अच्छी चीज़ें कुछ भी नहीं है, वल्गर की जो होती हैं, पर बाकी सिनेमा बहुत अच्छा है, बहुत कमर्शियल फिल्म है, कुछ नया करने का कोशिश है, कुछ अच्छा करने का है, सब लोग लगे हुए हैं। और इसमें जो गाने हैं, जितने भी गाने हैं, पहली बात तो जो हमने कहा कि कोई डबल मीनिंग्स नहीं है, हाँ, जिसको अगर गंदे गाने ही देखना है तो चिरन में शायद आपको ऐसा नहीं मिलेगा, डबल मीनिंग्स इसमें नहीं मिलेगा।
साफ सुथरी सिनेमा जिसको देखनी है, वो चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में साफ सुथरी सिनेमा आना चाहिए, तो उनके लिए ये सिनेमा ज़रूर बना हुआ है और आप आएँ और इस सिनेमा को देखें। होली है आज और कल रंगपंचमी में क्या कहना चाहिए भोजपुरी दर्शकों? हाँ, होली है, अब हमारी होली तो अभी हम चिर हरण पे ही हैं, तो इस बार जो है होली पे देखा जाए तो हम लोग जो हमारी टीम है हम लोग आपस में ही होली खेलेंगे, काम के साथ में ही होली होने वाली है। ऑब्वियसली मैं अपने घर परिवार दोस्तों को मिस भी कर रहा हूँ क्योंकि इस बार मैं उन लोगों के साथ में नहीं हूँ। और होली जो है सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि होली को दिल से खेलिए, रंगों से खेलिए, कुछ ऐसे गलत रंग से कलर्स भी होते हैं, कलर होते हैं तो लगने के बाद में जो है स्किन डिजीज वगैरह उस तरीके से उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। और जो है मदिरा ड्रिंक्स जो है वो मत कीजिए। और हाँ, जो पानी है, पानी का बड़ा महत्व है, बहुत लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा होता है तो, और कहीं कहीं पर देखा जाता है कि पानी का जो है स्विमिंग पूल में रंग डाल के खेल रहे हैं, तो पानी से कीचड़ में तालाब बना रहे हैं, तो उस टाइप का थोड़ा सा ना रंग होती होनी चाहिए। और पानी जिनका हक है उस पर, गरीबों को जो उनको पीने के लिए चाहिए तो उनको पीने दीजिए, और ऐसा कुछ भी मत। नमस्ते, मैं हूँ विराज भट्ट, आप लोग देखते रहिए इम्पीरियल चैनल। नमस्ते, मैं हूँ विराज भट्ट, आप लोग देखते रहिए इम्पीरियल चैनल। नमस्कार, मैं हूँ किशनलाल पुलियार और आज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली विराज भट्ट जी है जो भोजपुरी के बड़े कलाकार है, बड़े एक्टर है। बहुत बहुत स्वागत है विराज जी। चीन हरण के सेट पे है, किस तरह से शूट चल रही है आपकी? धन्यवाद। शूट जो है एकदम अभी जो है सेकंड शेड्यूल है, बहुत टाइट है शेड्यूल भी, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज होली का माहौल होना चाहिए और कल हम लोग जो सेट पे हैं काम कर रहे हैं, तो हमारा जो शेड्यूल है उसका टाइट है, एकदम स्पीड के साथ में काम हो रहा है। जो मीडिया में खबर आ रही है ये फिल्म बहुत साफ सुथरी है, इस तरह की खबर आ रही है, वल्गैरिटी नहीं है, ख़राब नहीं है, अपने माता पिता के साथ हर कोई ये फिल्म देख सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही खबर है, साफ सुथरी के साथ साथ अच्छी फिल्म भी है, आप अच्छा एंटरटेन करेंगे जो इस सिनेमा से, एंटरटेनिंग मूवी बनी हुई है और साफ सुथरी जो बता रहे हैं वो तो सही, बहुत ज़रूरी भी है। आप बाकायदा इस सिनेमा को अपने माता के साथ में, बहन के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में बैठ के देख सकते हैं, और मैं चाहूँगा भी कि ऐसे सिनेमा भोजपुरी में बने और बन गई है, हमारी कोशिश है, हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, बट इसको जो है प्रमोट करना दर्शकों का काम है। अगर वो चाहेंगे कि भोजपुरी में अच्छे सिनेमा आए, वल्गैरिटी नहीं आए, डबल मीनिंग्स नहीं आए, तो ऐसे सिनेमा को जाके सिनेमा घर में देखे, तो चीज़ हम आप लोगों की भोजपुरी भाषा के साफ सुथरी सिनेमा है, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग ज़रूर इस फिल्म को देखें। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कोई भी एक्टर से बात करता हूँ जो कि वल्गैरिटी की बात होती है फिल्मों में, तो कोई एक्टर इतना खुल के नहीं बात करे, आप पहले एक्टर हैं जो खुल के बात करें भोजपुरी के, तो क्या कारण रहा कि भोजपुरी में वल्गैरिटी ना लाना? आपके फिल्म जो चीर हरण है उसके द्वारा आपने ये पहली शुरुआत की? हाँ नहीं, मैं तो हर एक सिनेमा में चाहता हूँ कि इस तरह के गाना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है, भोजपुरी जाते हैं तो सही मायने में भोजपुरी जो भाषा है वो घर के अंदर में तो गंदी है, समाज में गंदी है, भोजपुर में गंदी है, तो स्क्रीन में क्यों दिखाते हैं? आपको किसने अधिकार दिया कि स्क्रीन में आप उसको गंदा दिखाते हैं? ये इन्होंने भी ये चीज़ें बनाई हैं या इस चीज़ को जो लोग भी प्रमोट कर रहे हैं वो वाकई में गलत है।
मैं उसके खिलाफ, हम लोग एक्टर हैं और हम लोग जो है भोजपुरी सिनेमा को हमारा काम होना चाहिए कि आगे बढ़े, या उस भाषा की सिनेमा के बाद में करने के बाद में एक सम्मान पूरे देश में मिले, तो मैं तो इसके खिलाफ ही हूँ कि इस तरीके की सिनेमा नहीं बननी चाहिए और दर्शकों को भी साथ देना चाहिए कि ऐसी सिनेमा ये अगर बनती है तो कहीं से रहते कि हम ऐसी सिनेमा ही बनाएं। हमारी इंडस्ट्री में वो जो दाग है वो हटना चाहिए, इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। कब तक ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा, कब तक शूट खत्म हो जाएगा, इसके बारे में ये सेकेंड शेड्यूल है, आपने देख लिया है कि हम लोग कितना टाइट शेड्यूल में काम कर रहे हैं और भूमि के बावजूद भी हम लोग सीखते हैं, तो अभी 7-8 दिन का जो भी काम शेड्यूल हमारा पहले 22-25 डेज में हो चुका है, 70-75% पहले शूट हो चुके हैं, तो ये शेड्यूल के बाद में बैकअप हो जाएगा, बुक हो जाएगा और फिर इसका पोस्ट का काम करके जल्दी ही सिनेमा घर में चलाया गया। काजल जी के साथ कैसा रहा काम करने का एक्सपीरियंस? उसके बारे में काजल जी के साथ मैंने पहले से किया है, नई बात तो है नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, हम लोगों ने काफ़ी सिनेमा कर चुके हैं, क्योंकि बीच में ऐसी खबर जाए कि खटास हो चुकी है आप दोनों के बीच में, खटास हो चुकी है, बातचीत नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम है इसका? ये तुम जानबूझ के बता रहे हो, किधर खटास आई, कभी खटास आई ही नहीं, हमेशा मिठास कोई खटास उठास नहीं थी, ये ऐसे ही आप लोग बात करते रहते हो, कहीं से आई थी, कहीं से मैं सुना था, ऐसे सुनने में आया, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले से काफ़ी फिल्में साथ में किए हुए हैं, वाला जाने मन विराज परिवार और भी काफ़ी फिल्में, पंचायत जो काजल और मुझे, तो ये रुचि रहने आ रही है, वैसा कुछ नहीं है, वो काम कर रहे हैं साथ में, पहली बार नहीं है। होली का मौका है, आज होली है, कल रंग पंचमी है, तो किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं? वैसे तो आप ऑन लोकेशन शूट पर आ चुके हैं तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अगर होली आया है तो होली में अगर किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? अभी देखिए, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए कि अभी हमको काम का ही है भाई, अभी अपना एसिंग करना है, ये सब है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो उसमें क्या है कि होली विश तो कर सकते हैं, गले मिल सकते हैं, बट वो रंग नहीं कर सकते क्योंकि अभी काम करना है, किसी आज उसको लगा देंगे या उसको भी लगा लेंगे तो फिर उससे अपना काम में डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, मेकअप ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हम बचपन की बात करें आपकी, तो किस तरह से होली सेलिब्रेट करके करते थे, आपके किसके बारे में बताना चाहेंगे? बचपन में तो बचपन की होली तो गलत थी, कैसी सेलिब्रेट है गाँव में, पानी कीचड़ धूल पता नहीं कैसे कैसे, जो पेंच होते छूटते ही नहीं थे, हाथ में लग जाता था, लाल में लग जाता था, तो बहुत अच्छा होता था बागन बागी। और कुछ घर पे जैसे कि होली के दिन भी कुछ बनाया जाता है, तो आपके घर पे क्या बनाया जाता है, तो आप क्या खाना पसंद करते हैं होली के दिन? सिंपल खाना ही रहता है, और देखिए कलर तो कलर है, कोई भी कलर अच्छा है, एक कलर अगर आप अपने आप को रिलेट करें, लाइक येलो, क्या कारण? ये दोस्ती का कलर है इसलिए। और अगर हमारे दर्शकों के लिए आगे एक शुभकामनाएं हो जाए भोजपुरी अड्डा के दर्शकों के लिए आपकी तरफ से? दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लोग जो जितने भी दर्शक हैं उनके लिए होली का दिन है, ये होली आप बड़े ही प्यार से मनाइए, अपने घर परिवार के साथ मनाइए, अच्छे से मनाइए, दिल से मनाइए, गलत रंग का प्रयोग मत करिए, मदिरा हो गया, भांग हो गया, ये सब का सेवन मत करिए, ऐसा कुछ भी मत करिए कि जिसकी वजह से जो है आपके घर में भी कुछ परेशानियाँ हो या दूसरे के घर में भी परेशानियाँ हो,
एंजॉय करिए इनसे होली के लिए। हाँ, हमारी फिल्म चीरहरण जल्दी ही आप लोगों के बीच में आएगी, एक बार जरूर देखिए। थैंक यू सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आपके लिए भी हेल्प की। और इस तरह से हमारे साथ विराज भट्ट जी ने हमारे साथ बातचीत की, कैमरा मैन अमर के साथ कृष्णा के लिए शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूँ विराज भट्ट, भोजपुरी चैनल नेक्स्ट। संजय भूषण है ना, असल क्या कहना चाहिए किस तरह की फिल्म है चीरहरण? देखिए ये चीरहरण फिल्म है ना, ये पंजाबी फिल्म है और ये लेडीज पठान फिल्म है, काफ़ी अच्छी फिल्म है। वो किस तरह का, विराज जी है काजल है दोनों ही बड़े स्टार को लेने में कुछ दिक्कत आई आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक साथ काम करवा रहे दोनों को, काफ़ी दिनों बाद ही एक साथ करते जा रहे हैं। आप तक आपने देखा सब कुछ जोड़िया बनी हुई है, सब कुछ नया चीज आएगा जब ज़्यादा होते भाषा का उपयोग गलत होता है तो इसमें बहुत अच्छी तरह से किया गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप मेरा यही कहना है, जो हम फिल्म बनाते हैं जब फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो कोई ऐसा सीन आता है जो हमारी फैमिली हमारे साथ बैठे रहते हैं, बड़ी शर्मिंदा सी फील होती है। तो मैं ये समझ के फिल्म बना रहा हूँ, जो मैं फिल्म बनाऊँ तो अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ बैठ कर देख सकते हैं, इसलिए मेरा कुछ ऐसा नहीं है जो बिजनेस के तौर पे या कुछ ऐसा सीन डालना है। होली का मौका है तो कब तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी और होली किस तरह से मनाने वाला है? ये फिल्म मई में रिलीज हो जाएगी फर्स्ट वीक पर, इसलिए डबिंग एडिटिंग वगैरह सब कम्प्लीट हो रही है। और होली होली किस तरह से मनाने वाले हैं? देखिए ना होली किस तरह से मना रहे हैं, होली का दिन भी सुनते हैं। आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आज होली की शुभकामनाएं दीदी जल्दी से? भोजपुरी नहीं, आप ऐसा नहीं, मैं आपका नाम लीजिए और सभी भोजपुरी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। मैं अजय झा, कैमरा मैन मैं अजय झा, मैं अपने सारे ऑडियंस को भोजपुरी की तरफ से, भोजपुरी अड्डा होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ अपने तमाम तमाम दोस्तों को। और चिरन का काफ़ी मजा लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों का भी अच्छा लगता है।